नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की नजरें लग गई है बागपत लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पर। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अरसे बाद वजूद में आया है। जमीन पर इसका कितना असर होगा और बागपत से क्या चुनाव परिणाम तय होगा, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के सबसे बड़े गढ़ छपरौली के विधायक अजय कुमार जी। तो विधायक जी, किस तरीका चुनाव आप देख रहे हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र में? जीत होगी राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार सांगवान जी की। मुकाबला किससे मान रहे हैं? हम तो कोसों आगे हैं इनसे, कोई मुकाबला नहीं। पीछे कोई दिख ही नहीं रहा आपको? नहीं है, प्रत्याशी हैं, उनको भी वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम काफी आगे हैं क्योंकि इनमें तो उठा पटक चलती रही। अब तक एक कैंडिडेट आया, फिर दूसरा कैंडिडेट आया, अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। वहां भीतरघात की भी संभावना है जाहिर तौर पर। अभी तक तो कैंडिडेट इनका तो बहुत लास्ट में तय हुआ, जब तक तो हम आधा चुनाव लड़ चुके थे। भीतरघात की चर्चा है तो यहां भी बहुत चल रही है। लोग कह रहे हैं, समर्थक खासतौर पर राष्ट्रीय लोकदल का, वो मैदान में है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता वो एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और शायद चीजें कुछ और भी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा मेरी समझ में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, सभी एकजुट हैं और सभी काम कर रहे हैं। कोई मतभेद या कोई दूसरी चीजें नहीं है? दो दल अभी तक आमने सामने कई वर्षों से चुनाव लड़ते थे, तो थोड़ी बहुत ऐसी कमियां रह जाती हैं और कहीं वो जो ऐसा नहीं है कुछ भी जिसकी संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं, या ऐसा मीडिया के एक सेक्शन में भी ऐसी बात आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों दल तो मिल गए, लेकिन क्या दोनों दलों के दिल भी मिले क्या? क्योंकि आपके लोकसभा क्षेत्र में तिलवाड़ा में जो हुआ वो हमने देखा, फिर मोदीनगर में जो घटना हुई वो भी हमने देखी। क्यों दोनों दलों के बीच का जो समन्वय है वो जमीनी स्तर पर उतनी मजबूती से नहीं दिखाई दे रहा, या इस तरह की घटनाएं आप लोग जो आप स्लेट पर लिखते हैं इस तरह की घटनाएं फिर से पहुंच देती है उसको? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास घटना नहीं हुई, एक आध घटना हुई है, उसको वो किसी बड़ी बात नहीं थी, उसका समाधान भी निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो तो बहुत तेजी से चले सोशल मीडिया पे, वो आज तो आप छोटी सी भी कोई घटना हो जाएगी वीडियो वायरल हो जाएगा। वीडियो वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो एक मिनट में आप और हम बात यहाँ कर रहे हैं, ये अभी बॉम्बे आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में अमेरिका में पता लग जाएगा इसका। कहा जा रहा है वो राष्ट्रीय लोकदल के मंचों पे भाजपा के नेताओं को बड़ी मुश्किल से जगह मिल रही, लोकदल वाले जगह नहीं छोड़ते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज आप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जैन जी आ रहे हैं, चारू जी आ रही हैं, आप देखना मंच पे ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग। काबिज जी आज तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो लोकल जनसभाएं हो आपकी उनकी स्थिति की बात? नहीं नहीं, सब में जाते हैं, सब सम्मान करते हैं, हमारी हिदायत है इस बात के लिए विशेष कि हमें गठबंधन के जो अपने दूसरे साथी हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथियों का हमें पूरा आदर और सम्मान करना होगा। तो सबसे बड़ी खासियत कह लीजिए, प्लस पॉइंट कह लीजिए, आप लोगों के लिए क्या है इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रत्याशी बेहतर है, और मैं तो जैन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को ऐसे अपनी सीट छोड़ के, पुश्तैनी सीट छोड़ के, और राजकुमार सांगवान जी को यहाँ पे से टिकट दिया। मैं तो इसको एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ, और परिवारवाद पे एक बहुत बड़ी चोट है। जो परिवारवादी राजनीति करते हैं उनको करारा जवाब जैन जी ने दिया। आप लोग विपक्ष में थे, बच जाते थे बहुत सी चीजों से कि साहब विपक्ष में है, बताओ सुनवाई नहीं हो रही, क्या कर ले। अब तो आप सरकार का हिस्सा हो गए, ये आप जहां बैठे हैं यहां से कुछ ही दूरी पे है मलकपुर शुगर मिल, भुगतान की समस्या न जाने कब से चल रही है, आप समाधान करा देंगे? देखिए,
हम बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहे और हमने गांव, गरीब, देहात, किसान, मजदूर, इन सब के भाईचारे की बात को हमने मजबूती से उठाया और हमें फक्र है और हम अपने नेता पे भी फक्र है और अपने साथियों पे भी। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब बड़ी मुस्तैदी से ये मुद्दे उठाते रहे और आज भी हम चाहे सत्ता का अंग हो जाएं, इन मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं, इन मुद्दों पर बल देते रहेंगे। आपके जीत में भी मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका थी, करीब 30,000 के अंतर से आपने जीत हासिल की। उन मतदाताओं में जो निराशा है या अब वो आपके अपोज में जाकर वोट देंगे, तो किस तरीके से वो उस दूरी को आप कम करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमें अभी सर्व समाज का वोट मिल रहा है, जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट मिल रहा है और मुस्लिम भाइयों का ही एक बड़ा वर्ग हमें साथ देगा। बागपत लोकसभा क्षेत्र में क्योंकि आप मंजे हुए राजनीतिज्ञ है, पूरे बागपत लोकसभा क्षेत्र में कितना अंतर आप मान रहे हैं कि खड़ा होगा 4 जून को जो ईवीएम से निकलेगा? ये तो मैं इसका भविष्यवक्ता नहीं हूं, ये तो जनता पर निर्भर करेगा वो किस तरीके से वोट करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारी बहुमत से हमारी जीत होगी राष्ट्रीय लोकदल की। छपरौली विधानसभा का तो आप बता ही देंगे, मान लो पूरी लोकसभा का ना बताओ, छपरौली विधानसभा में इस बार मान लो हार जीत का अंतर जो 2022 में जनता ने दिया था, वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, और मैं समझता हूँ कि छपरौली सबसे ज्यादा लीड देगी। वो टीस जो 2014 में 2019 में आप लोगों के मन में थी, चौधरी अजीत सिंह जी 14 में हारे, 2019 में जयंत सिंह जी यहाँ से पराजित हुए, तो क्या इस बार वो सिलसिला तोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, टूट रहा है वो सिलसिला, तो आप देख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, एक दो दिन से मैं भी आपकी चैनल के खबरें सुन रहा हूँ, आप भी घूम रहे होंगे, आपको भी स्वयं महसूस हो रहा होगा कि जीत अब की बार अच्छी है। उत्तर प्रदेश में जब इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो लोगों की बड़ी आकांक्षाएं थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का सबसे बड़ा गढ़ जब सारी जगह हार होगी तो भी छपरौली में राष्ट्रीय लोकदल को जीत मिली, तो जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ लोगों की आकांक्षाएं बड़ी थी कि छपरौली इस बार मंत्रिमंडल में जगह बनावे, निराशा हुई आप लोगों को? इच्छा रहती है सभी क्षेत्रों के जनता की कि हमारे क्षेत्र का विधायक मंत्री बने जिससे कि उनके विकास के कामों को तरजीह मिले, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, और जो ये नेता का निर्णय हुआ करता है, नेता ने जो निर्णय किया हमें सबको स्वीकार है, और मैं बधाई भी देना चाहूँगा नेता को कि अपने नेता को उन्होंने दलित विधायक को मंत्री बना के एक नई मिसाल प्रस्तुत की है। तो बड़ा दावा विधायक जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई छपरौली से तो हार जीत का अंतर 2022 में विधायक जी 30,000 वोटों के अंतर जीतते थे, अब वो कह रहे हैं कि वो हार जीत का अंतर बढ़ेगा, हालांकि पूरी लोकसभा क्षेत्र में हार जीत का अंतर क्या रहेगा उस बारे में वो अभी खुलकर नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि फैसला जनता के हाथ में।